स्टूडेंट स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कि मैं इस वीडियो में क्लास टेंथ का बायोलॉजी बुक का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले कुछ वीडियो आ चुके हैं, आप नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब पोषण में स्टार्ट कर रहा हूँ। आप कहिए सर पोषण क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, जरूरी है कि पोषण से स्टार्ट कर सकते हैं तो श्वसन से स्टार्ट कीजिए, उत्सर्जन से स्टार्ट कीजिए। लेकिन मैं कहूँगा नहीं नहीं मैं पोषण से ही स्टार्ट करूँगा क्योंकि उसमें अलग सा विचार, मतलब कि क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा तभी आपको पता चलेगा कि मैं पोषण से ही क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप इतना जानते हैं कि जीवों में बहुत सारी क्रियाएं होती है, काम होता है जीवों के अंदर, आप में या मुझ में बहुत सारी काम हो रहा है। पर आप एक दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए थोड़ा कि एक काम फ्री में हो जाएगा, अगर ये सर फ्री में तो नहीं होता है, फ्री में तो होता है। जैसे हमारे समय भोजन पाचन हो रहा है फ्री में हो जा रहा है, सांस ले रहे हैं और सांस ले ऑक्सीजन ले रहे भी फ्री में हो जा रहा है, और खाना पच जाता है उसको सारा जगह पहुंचा दिया जाता है वो भी फ्री में हो जा रहा है, वाह फ्री में हो जा रहा है, पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो नहीं सर, तो भाई भाई पैसा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर लिया जा रहा है। आप सोचिए क्या चीज़ लिया जा रहा है, कि एक चीज़ ज़रूर जो होगा जो ब्लड जो है ब्लड खून वो खाना पचा हुआ पचा पचाया खाना को उठाकर शरीर के सभी अंगों में पहुंचा दिया जाता है, माथा से लेकर पैर तक पहुंचा दिया जाता है। तो कुछ तो ले रहा होगा, हमारा हार्ट है बेफालतू का धड़क रहा है वो तो कुछ तो ले रहा होगा, किडनी है किडनी मतलब ब्रिक को छानने का काम कर रहा है प्रत्येक दिन, ठीक है वो भी तो कुछ काम कर रहा होगा। हम मुँह से बोल रहे हैं ये भी तो कुछ काम कर रहा है, हाथ जो है इसे भाँज रहे हैं भाँज भाज के पढ़ा रहे हैं, आपको वीडियो के थ्रू पढ़िएगा तो आपको मज़ा आ जाता, ठीक है। लेकिन क्या करें व्यवस्था कमी है, फिर भी आपको अच्छे से पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं हाथ भाँज के पढ़ा रहा हूँ तो उसमें भी कुछ हाथ मेरा कुछ ले रहा होगा, ठीक है। मतलब दिमाग ऐसा अभी भी चल रहा है, पढ़ाते समय भी दिमाग चल रहा है मेरा, तो ये दिमाग कुछ ना कुछ ले रहा होगा। आप सोचिए क्या ले रहा है, ठीक है। तो पैसा तो नहीं ले रहा होगा, जैसे मैं पूछता हूँ कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो कुछ तो ले रहे होंगे, तब कहेंगे सर मैं आपसे पैसा लेता हूँ इसलिए मैं काम करता हूँ, ठीक है। मैं कहूँगा कि पहले भी पैसा लेते, जब 10-20 साल था पहले जिसमें पैसा उतना महत्वपूर्ण नहीं दिया जाता था, उस समय भी लोग काम करते थे लेकिन उस समय लोग पैसा नहीं लेते थे, तो सर क्या लेते थे उसमें, तो खाना लेते थे, भरपेट खाना मांगते थे, कपड़ा लाता मांगते थे, उसमें पैसा नहीं मांगते थे। फिर उससे भी पहले बहुत पहले की बात है, तो उस समय लोग काम करते थे तो क्या करते, खाना के लिए काम करते थे, उसमें ना पैसा ना कपड़ा लाता कुछ का नहीं काम करते थे, ठीक है सर। काम करते थे कभी पैसा लिया जाता है, कभी खाना लिया जाता है, कभी कपड़ा लिया जाता है, आखिर ले क्या रहा है, सो मैं कन्फ्यूज हो गया हूँ। से ये जब खाना कपड़ा लेता है सब नहीं ले रहा है, हर एक चीज़ ले रहा है। सर मेरा एक दोस्त है, उससे मैं थोड़ा देर अच्छा बात करता हूँ तो मेरा फ्री में काम कर देता है, तब कहे आप कहिए कि वो तो ऐसी फ्री में बात कर लिया और मतलब कि वो कुछ मतलब काम कर दिया, उससे बात कर ही काम कर लिया, सो वो तो वो क्या लिया बात लेकर चला गया, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि कुछ भी काम होता है इस दुनिया में, कुछ भी काम हो रहा है, थोड़ा से थोड़ा पत्ता भी हिल रहा है, उस काम के लिए एक चीज़ जरूर आ जाता है, उस चीज़ का नाम है समझ रखिए बता रहे हैं, उस चीज़ का नाम है ऊर्जा मतलब ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा का मतलब एनर्जी, जैसे हम अभी बोल रहे हैं यानी कि हमारा मुंह एलर्जी ले रहा, एनर्जी क्या होती एलर्जी नहीं एनर्जी, ठीक है नौ वाला एनर्जी, ठीक है ऊर्जा ले रहा है, शक्ति ले रहा है, पावर ले रहा है। मैं दौड़ूंगा तो मेरा पैर कुछ ले रहा होगा, ऊर्जा ले रहा है, ठीक है। बैठूंगा पढ़ूंगा खेलूंगा कूदूंगा कुछ भी करूंगा जैव प्रक्रम में, अंदर भी मतलब कि कुछ भी होगा अंदर बाहर, तो ये क्या होगा कि ऊर्जा जरूर लेगा, ठीक है। और इसी अब देखिए कि ऊर्जा लेते हैं तो आप कहिएगा सर आपको ऊर्जा लेना है तो लीजिए 5 रुपया लीजिए, 10 रुपया का नोट लीजिए या 100 रुपया का नोट लीजिए, खा जाइए ऊर्जा मिल जाएगा, ऐसा कभी हुआ है बताइए, ठीक है। मैं स्क्रीन पर नहीं लिख रहा हूँ पर आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है, क्योंकि साइंस में है लिखाया कम जाता है लेक्चर ज़्यादा दिया जाता है, ताकि आप सुने रहिएगा तो एग्जाम जाकर आसान से लिख पाइएगा, और ये सब सुने रहिएगा तो इससे ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। तो आप कहिए सर
सर आपको ऊर्जा चाहिए ना, ये लीजिए 1000 का नोट लीजिए, खा लीजिए। सर आपको ऊर्जा चाहिए, ये लीजिए माटी लीजिए खा लीजिए, ये कागज़ लीजिए खा लीजिए। तुम कहेंगे नहीं नहीं ऐसा तो ऊर्जा मिलेगा ही नहीं। तो फिर एक स्टूडेंट खड़ा होकर बोलेगा, नहीं सर आपको ऊर्जा चाहिए तो आपको दाल भात खाना पड़ेगा, खाना खाना पड़ेगा। हम कहेंगे वाह, ये एक सही बोला, मतलब कि 100% सही बोला है कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, ऊर्जा लेने के लिए हमको कोई कागज़ का पत्थर का जरूरत नहीं है, पैसा का जरूरत नहीं है, बात का जरूरत नहीं है, बस क्या चीज़ जरूरत है तो खाना की जरूरत है, ठीक है, भोजन का जरूरत है। तो उसी भोजन को लेना है हम लोग क्या कहते हैं पोषण, ठीक है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो दाल भात खाते हैं खाने की प्रक्रिया ही कहलाता है पोषण, ठीक है, समझ में आया आपको। यानी कि दाल भात खाते हैं, चटनी अचार ये सब खाते हैं, सोन उन कर खाते हैं, हप्पुर हप्पुर करके खाते हैं, तो खा रहे हैं तो खाने का क्रिया ही कहलाता है पोषण। तो सर एग्जाम में आएगा पोषण किससे कहते हैं तो ऐसे लिख देंगे, जाएंगे कहेंगे दाल भात ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो दाल भात खाते हैं, तीना तरकारी खाते हैं, उस खाने की क्रिया को कह देते हैं पोषण। कि उसे वैसी क्रिया जिसमें हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दाल भात खाते हैं उसे हम लोग पोषण कहते हैं, तो ऐसे लिख देंगे। देखो बाबू ऐसे लिखेगा तो सही हो जाएगा, पर आपको ऐसा लिखना नहीं है, आपको किताबी भाषा का लिखना है, क्योंकि आपका भाषा है सबका एग्जामिनर बात सही लिखा रहता है, लिखा रहता है कि परीक्षार्थी जो है यानी कि जो एग्ज़ाम देने वाला बच्चा है वो अपने ही भाषा में एग्ज़ाम को दे, ठीक है, लेकिन वो अपनी ही भाषा में देगा ना तो एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए वो ठेठ भाषा बोल रहा है या कोई ऐसा क्षेत्रीय भाषा में लिखेगा, और मान लीजिए एग्जाम को क्षेत्रीय भाषा ही नहीं पता है तो वो क्या गलत कर देगा ना। तो यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है कि परीक्षार्थी अपने ही भाषा में आंसर दे, लेकिन अपनी भाषा मतलब क्या जो मातृभाषा है, यानी कि ऐसी भाषा जो सबको समझ में आ रहा हो, ऐसा लैंग्वेज शब्द इस्तेमाल करना है जो सबको समझ में आ रहा हो। दाल भात समझ में आ रहा है लेकिन वो बोलने में लिख अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, यानी कि उसको फनी टाइप को तो लग रहा है लेकिन परिभाषा एक्यूरेट सही है, लेकिन उसको थोड़ा बदल कर किताबी भाषा में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि किताबी भाषा सब पढ़े लिखे रहता है और किताबी भाषा ही सबको समझ में आता है। देखिएगा दाल भात को सर किताबी भाषा में क्या कहेंगे, तो दाल भात तीना तरकारी जो खाते हैं उसको साइंस की भाषा में कहा जाता है पोषक तत्व। लिख दे क्या लिख देते हैं पोषक तत्व, पोषक तत्व। सर इंग्लिश में क्या कहेंगे, द न्यूट्रिएंट्स, उसका भी स्पेलिंग लिख दे, स्पेलिंग सुनी लो एन यू टी आर लिख ही देते हैं, एन यू टी आर जगह ही नहीं है मेरे में, चलिए काला करके लिख देते हैं, एन यू टी आर ई एन टी एस न्यूट्रिएंट्स। तो हम लोग जो दाल भात खाते, दाल भात तीना तरकारी ये सबको क्या कहा जाता है साइंस की भाषा में पोषक तत्व, पोषक तत्व, पोषक तत्व को इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स। तो ऊर्जा तब इसका परिभाषा क्या हो जाएगा पोषण का, पोषण का परिभाषा आपको हो जाएगा, पोषण का परिभाषा मैं बोलूँगा लिखूँगा नहीं, पोषण का परिभाषा हो जाएगा कि जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नहीं तो ऐसे चलो सीधे लिखेंगे पोषण वैसी विधि है, पोषण वैसी विधि है जिसके द्वारा जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषण तत्वों को ग्रहण करता है, वैसी विधि पोषण कहलाती है, ठीक है। क्योंकि पोषण एक ऐसी विधि है या पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करता है, ये प्रक्रिया पोषण कहलाता है, ठीक है। और भी डिटेल में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषक तत्वों को कच्चे या कच्चे ठोस तरल के रूप में ग्रहण करते हैं तथा उस पोषक तत्व का पाचन होता है, और पाचन के पश्चात बहुत सारी उपापचय क्रिया होने के पश्चात उससे ऊर्जा निकलता है और इसी ऊर्जा को जीव प्राप्त करता है, और इस सारी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं पोषण बोल देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा लेंदी हो गया, ठीक है, लेंदी आपको लिखना नहीं है बल्कि आपको कुछ पूछ देगा तो इस सब पे घुमा के बता देना है, बस आपको सिंपल सा याद रखना है कि पोषण वैसी विधि है जिसके द्वारा जीव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषक तत्व ग्रहण करता है, पोषण कहलाता है। एक किताब में इस लैंग्वेज परिभाषा दिया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको मैं बता दिया हूँ कि पोषण क्या है, ठीक है।
लेकिन मैं आपको कुछ पॉइंट छूट गया है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जैव परक्रम होता है, लेकिन जैव परक्रम भी दो प्रकार का होता है, वो मैं आपको चर्चा करूंगा। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद, वीडियो को लाइक शेयर।